नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मैच नंबर 47 को लेके, जो कि करीब शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब देखिए, दोनों टीमें है ना वो अपने लास्ट मैचेस हार के आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक टीम तो जीतेगी क्योंकि एक दूसरे के सामने। तो जब ये मैच शुरू होगा, टीमें खेलने के लिए उतरे, तो जो आपकी फैंटेसी की टीम है वो कैसी होनी चाहिए, कौन से प्लेयर्स आपकी फैंटेसी की टीम में होने चाहिए, किन प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो, किन पे चांस ले सकते हो, ट्रंप पिक्स कौन सी होगी, प्लेयर्स बैटल क्या बोलता है, प्लस वो 2-3 खिलाड़ी जो इस मैच में गेम चेंजर बन सकते हैं और आपका क्लीन स्वीप करवा सकते हैं, उन प्लेयर्स के बारे में हम लोग है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी सेकंड स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। गिवे के बारे में आपको बताता चलूं कि आगे इस वीडियो में आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, आपको उन दोनों सवालों के सही जवाब देने हैं। इसमें 10 विनर्स होंगे, टॉप 10 विनर्स को 2,000 रुपए मिलेंगे। बस आपको वीडियो को साथ में लाइक भी करना है, तो अभी से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बताता चलूं और उसका नाम है My11 Circle। दोस्तों, My11 Circle मैं आपको पता है डाउनलोड करने के लिए क्यों बोल रहा हूं। देखिए, My11 Circle है वो 1 करोड़ रुपए का आपको ग्रैंड लीग प्राइज दे रहा है, फर्स्ट प्राइज दे रहा है, और वहां पे कंपटीशन पता है कितना कम है, 10 गुना कम कंपटीशन है, यानी कि 10 से 11 लाख टीमों को आपको बीट करना है, 1 करोड़ रुपए आप जीत सकते हैं। अदर पे जाओगे तो वहां पे आपको 80 से 90 लाख टीमें यानी कि जीतना बहुत इजी है। जो लोग ग्रैंड लीग को टारगेट कर रहे हैं, जल्दी से My11 Circle को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको My11 Circle का है वो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, उस लिंक से डाउनलोड करोगे ना तो आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप लोग लेजेंड्स को अगर बीट करते हो, जैसे कि VVS लक्ष्मण या फिर सौरव गांगुली, तो आपको 5 गुना ज्यादा कैश मिलता है। अदर फैंटेसी एप्लीकेशन पे जाओगे ना, 100 रुपए लगाओगे कितने मिलेंगे हेड टू हेड में, 180। यहां पर अगर आप लोग 100 रुपए लगाओगे, 5 गुना यानी कि 500 रुपए आप लोग जीत सकते हो। तो कम पैसों में ज्यादा पैसा भी आप My11 Circle पे बना सकते हो। जल्दी से जाओ डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करोगे, मेरे कूपन कोड KISHN का यूज करोगे, फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 20% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब चलिए हम लोग है वो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मैच को लेके, कि भाई आज के मैच में वो क्या कुछ हो सकता है। यहां से देखिएगा दोस्तों, यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, यहां से राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाए, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। दोस्तों, फाइनल अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल फ्री है, आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। इनफैक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट होगी, फाइनल जो भी अपडेट्स मिलती है, साथ ही साथ जो फाइनल टीम होगी वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। यहां से वेन्यू को लेके बात करते हैं, भाई वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच खेला जाएगा। जी हां, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट को लेकर बात करते हैं, तो लास्ट के कुछ मैचेस है ना, वानखेड़े की पिच बैटिंग के लिए काफी बढ़िया। देखिए, एक तो डायमेंशन काफी छोटी है, लेंथ काफी छोटी है बाउंड्रीज की, जिससे कि हिटिंग करना बढ़िया रहता है। कल आफ्टरनून का मैच हुआ हाई स्कोर, लेकिन ये थोड़ा सा नाइट का गेम है, तो मे बी 170 वाला गेम ये बन सकता है, 170 वाला ये गेम बन सकता है। और स्पिनर्स को शुरुआत में शाम का मैच है, तो कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। बाकी यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप लोग देखोगे शुरुआत के जो मैचेस हुए थे वो काफी लो स्कोरिंग और एवरेज रहे थे, लेकिन ये जो आपको लास्ट के 5-6 मैचेस देखोगे, ये हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, ये हाई स्कोरिंग। ये बीच में एक KKR का ही मैच हुआ था जो कि लो स्कोरिंग मैच हुआ था, KKR ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 146 बनाए। ये कल लखनऊ और दिल्ली, यहाँ पे लखनऊ ने 195 किए थे और डिफेंड भी किए थे, 10 विकेट्स
यहां पे गिरी थी, पेसर्स ने यहां पे डोमिनेट किया था। तो कहीं ना कहीं पेसर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो पेसर्स यहां पे इंपोर्टेंट रहेंगे, स्पिनर्स थोड़ा सा कम गेम में रहते हैं। यहां पे देखिएगा 10 विकेट्स, 15 विकेट्स, 11, 10, मतलब मैक्सिमम है ना वो 10 से 11 विकेट्स गिर रही है, 12 विकेट आप मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तीन गेंदबाज और एक बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ आप लोग जा सकते हो, तीन गेंदबाज और एक बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ आप लोग जा सकते हो। केकेआर की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं, आरोन फिंच और वेंकटेश अय्यर, उसके अलावा श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, बाबा इंद्रजीत, बट शायद ड्रॉप भी हो सकते हैं, नीतीश राणा जो कि ऊपर भी आ सकते हैं, लास्ट मैच में नीचे गए, रिंकू सिंह, आंद्रे रशल, उमेश यादव, टिम शाउती की जगह शायद पैट कमिंस, उसके अलावा हर्षित राणा ये खेलते हुए दिख सकते हैं। उमेश यादव और टिम शाउती पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, डेथ में टिम शाउती और आंद्रे रशल है। आंद्रे रशल ने लास्ट मैच में ज्यादा गेंदबाजी की नहीं है, बट ये अगर केकेआर की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो ये आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं, उस कंडीशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फुल स्टैट्स प्लस इन्फो की बात करते हैं, आरोन फिंच हेड टू हेड में देखोगे 27 का एवरेज रहता है राजस्थान के अगेंस्ट, वेन्यू पे 31 का है, पहला मैच 7 रन, दूसरे मैच में काफी बढ़िया दिखे, लेकिन लास्ट मैच में थोड़ा सा इन स्विंग, जब गेंद अंदर की तरफ आता है तो वो एक पैटर्न बन चुका है कि इनको प्रॉब्लम होती है। अब सामने वाली टीम से अंदर कौन ला सकता है, सामने वाली टीम में ट्रेंट बोल्ट है, अगर उनसे थोड़ा सा बच गए तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहां से आप ओपनिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिलता है, लेके जा सकते हो। उसके अलावा यहां से वेंकटेश अय्यर, जिसका ये सीजन भाई उतना खास रहा नहीं है। अब देखिए इन दोनों के साथ शायद कुछ ही लोग आएंगे, बट यहां पे आप क्या कर सकते हो कि आरोन फिंच को जो इनस्विंग से दिक्कत है, तो वहां पे आप लोग वेंकटेश अय्यर पे चांस ले सकते हो। 22 का एवरेज रहता है हेड टू हेड में, और यहां पे देखोगे वेन्यू पे 8 का एवरेज, 3 मैच में 25, सीजन उतना कुछ खास नहीं रहा, केवल 150 निकली है जिस मैच में हमारी टीम में थे ये, बाकी कोई खास इनके बैट से निकला नहीं है। श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, सीजन काफी बढ़िया जा रहा है, हेड टू हेड में 35 का, वेन्यू पे 31 का एवरेज रहता है। यहां पे अगर आप लोग इस 13 को थोड़ा सा कट कर दोगे, यहां पे 10 को कट कर दोगे, उसके अलावा यहां पे 12 को कट कर दोगे, तो अभी तक है वो 5 मैचेस में काफी बढ़िया इनिंग्स है जो कि खेल चुके हैं श्रेयस अय्यर। कैप्टनसी मटेरियल है, बाबा इंद्रजीत आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक बन सकती है, लास्ट मैच में 6 रन के, अगर 2 डाउन बैटिंग करती है तो कहीं ना कहीं आप ग्रैंड लीग में लेके जा सकते हो। उसके अलावा यहां से आप लोग देखोगे सुनील नारायण को बार बार ऊपर भेजा जा रहा है, लेकिन इनिंग्स बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि 20-25 रन अपनी टीम के लिए नहीं बना पा रहे, बट मस्ट पिक रहेंगे। यहां से 16 मैच में 12 विकेट है, हेड टू हेड में वेन्यू पे देखिएगा 12 मैच में 13 विकेट है, सीजन उतना बढ़िया नहीं गया है सज्जन, है वो इतना बढ़िया नहीं गया है, डिफरेंशियल रहेंगे, और आप यहां पे है इनको स्मॉल लीग में भी लेके जा सकते हो। नीतीश राणा आपके लिए एक ऑप्शन बनते हैं, 19 का और 26 का इनका एवरेज रहता है हेड टू हेड एंड वेन्यू पे, बाकी सीजन उतना खास नहीं है, बट लेके जा सकते हो, शायद मैं आज के मैच में इनको ड्रॉप करूं। रिंकू सिंह आपके लिए एक ऑप्शन बनते हैं, बट स्मॉल लीग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, एक आधा ग्रैंड लीग में वो भी अगर आप लोग ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो। आंद्रे रशल यहां से मस्ट पिक बन जाते हैं, क्योंकि गेंदबाजी प्लस आपको बॉलिंग दोनों देके जा रहे हैं। यहां से देखोगे 12 मैच में 177 रन है, वेन्यू पे 9 मैच में 166 रन है, एवरेज कुछ खास नहीं है, 22 और 23 का है, बट आपको पता है कि जब केकेआर की टीम पहले बैटिंग करती है उस वक्त ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं आंद्रे रशल, तो उस कंडीशन में आप कैप्टनसी भी आंद्रे रशल को दे सकते हो। उमेश यादव का देखोगे 12 मैच में 9 विकेट इन्होंने हेड टू हेड में, और यहां पे वेन्यू पे देखोगे 9 मैच में 14 विकेट। अब 9 मैच में 14 विकेट वेन्यू पे क्यों, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा यहां पे है ना वानखेड़े की पिच है वो पेसर्स को मदद कर रही है, स्विंग मिल रहा है, दैट्स वाइज यहां पे 9 में 14 है, सीजन बढ़िया गया, फिर बीच में थोड़ा सा आउट हुए और लास्ट मैच में फिर काफी बढ़िया करके गए, 3 विकेट इन्होंने निकाली। यहां पे जिस तरीके से कल मैंने आपको बोला था कुलदीप यादव को लेके कि आप लोग चांस ले सकते हो, सेम चीज बोलूंगा कि उमेश यादव पे भी चांस ले सकते हो। टीम एक इंपोर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी टीम में लेके जाऊंगा। हर्षित राणा एक आपके लिए ऑप्शन बन जाते हैं, बट कहीं ना कहीं हर्षित राणा के ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे, जी ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे, और ज्यादा इंपैक्ट वाले प्लेयर है नहीं। बाकी यहां से टीम है ना वो वरुण चक्रवर्ती को वापस ला सकती है, तो वरुण चक्रवर्ती का सीजन उतना खास नहीं रहा है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती गेंदबाज बढ़िया है, फोकस करना अगर टीम में आते हैं तो। यहां से राजस्थान की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे गिवअवे का पहला सवाल, दोस्तों हमारे गिवे का पहला सवाल यह रहेगा कि आज के मैच में जो जोस बटलर है ना वो आपको कितने फैंटेसी के पॉइंट्स देने वाले हैं फॉर माय 11 सर्कल। जी हां, माय 11 सर्कल के लिए जोस बटलर आपको कितने फैंटेसी के पॉइंट्स देने वाले हैं, ये पहला सवाल रहेगा। देवदत्त और जोस बटलर है, संजू सैमसन, डैरी मिचेल की जगह मे बी आरविंदर दर्शन को एंट्री मिल सकती है,
सिमरन एटमायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और कुलदीप सेन। ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, प्लस ट्रेंट बोल्ट और ओबेड मकोय जो कि मुझे लगता है खेलेंगे नहीं। यहां पे आप प्रसिद्ध कृष्णा कर लेना, यहां पे मैं कर देता हूं प्रसिद्ध कृष्णा। जी हां, कृष्णा है जो कि यहां पे आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। उसके अलावा फुल स्टैट्स प्लस इन्फो की बात करते हैं भाई। सबसे पहला नाम आता है देवदूत पेडिकल का, जिनका 38 का एवरेज रहता है केकेआर के अगेंस्ट। सीजन बढ़िया नहीं है, वेन्यू पे भी सॉरी यहां पे 24 का एवरेज रहता है, लेकिन आप वेन्यू पे देखोगे ना तो 63 का एवरेज रहता है। इस चीज को आप लोग देखना, यहां पे देवदूत पेडिकल का वेन्यू पे 63 का एवरेज रहता है। यहां से सीजन उतना बढ़िया गया नहीं है, लेकिन 2-3 इनिंग्स इनके बैट से भी काफी बढ़िया निकली है। इंपोर्टेंट प्लेयर है, यहां से आपके लिए ये डिफरेंशियल पिक होंगे, क्योंकि मुझे लगता है 50 के करीब इनका परसेंटेज सिलेक्शन मिलेंगे, तो यहां से आपके लिए डिफरेंशियल पिक बनेंगे और कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग में कैप्टेंसी मटेरियल भी बनते हैं। जोस बटलर का हेड टू हेड और वेन्यू दोनों पे 38-38 का एवरेज है। इस सीजन की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काफी लोग कैप्टेंसी देके आएंगे। संजू सैमसन, जब संजू सैमसन पे चलते हैं 24 का हेड टू हेड में वेन्यू पे, इनका भी एवरेज काफी बढ़िया रहता है और स्मॉल बाउंड्रीज को खासा पसंद करते हैं। यहां पे इनके लिए जो प्रॉब्लम बनेगी ना, वो केवल सुनील नारायण बन सकता है। सीजन आप लोग बोल सकते हैं कि एवरेज रहा है, कभी इनिंग्स खेली है, कभी जल्दी आउट हुए, बट मैक्सिमम टाइम इसमें ये ज्यादा कुछ खास बड़ा नहीं कर पाए हैं, ये चीज ध्यान में रखना। डैरी मिचेल, ये बंदा दोस्तों आप लोग देखोगे ना, डोमेस्टिक में काफी बढ़िया किया, लास्ट मैच में ये 17 रन करके गए, उससे पहले भी कुछ खास किया नहीं है, 2-3 मैचेस खेल चुके हैं। ये आपके लिए एक बढ़िया, जो मैं आपको बोला था ना ट्रंप पिक्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस ट्रंप पिक्स में इनका नाम आता है डैरी मिचेल का। अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करती है, आप हेटमायर पे चांस ले सकते हो, यहां पे डैरी मिचेल को ले सकते हो, क्योंकि डैरी मिचेल को थोड़ा सा ज्यादा मौका मिलता है बैटिंग का, टू डाउन बैटिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए गेम चेंजर बन रहा है। आप कॉपी पेस्ट करो, इससे बेहतर है कि वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करो। सिमरन एटमायर की बात करते हैं, आप लोग देखोगे हेड टू हेड में 21 का एवरेज रहता है, वेन्यू पे 25 का। सीजन शुरुआत में काफी बढ़िया रहा, लेकिन लास्ट के एक दो मैच से, लास्ट मैच 6 रन के, लेकिन ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, इनसे ऊपर आप डैरी मिचेल आ रहे हैं तो उनपे चांस ले सकते हो। रियान पराग, उस कंडीशन में जब आप राजस्थान की टीम पहले बैटिंग या बॉलिंग कर रही है, आप लगता है कि कोलैब करिए, तो आप जब ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, कॉम्बिनेशन, वहां पर आप रियान पराग को ट्राई कीजिए। स्मॉल लीग में सीधा सीधा रियान पराग को लेना मेबी थोड़ा रिस्की बन जाता है, तो वो चीज ध्यान में रखना। रविचंद्रन अश्विन, दोस्तों रविचंद्रन अश्विन के 23 मैच में 24 विकेट है, वेन्यू पे 17 मैच में 24 विकेट। सीजन शुरुआत में कुछ खास नहीं लगा गया था, बकवास था, लेकिन अभी रविचंद्रन अश्विन है वो अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, प्लस बैटिंग से भी पॉइंट दे रहे हैं। बाकी मैं बोलूंगा किसी भी प्लेयर पे चांस ले सकते हो, रविचंद्रन अश्विन पे भी, अगर ऊपर नहीं आते हैं तो फिर आप लोग रवि पे चांस ले सकते हो। युजवेंद्र चहल एक इंपॉर्टेंट पिक यहां पे रहेंगे, 19 मैच में 24 विकेट, 10 मैच में 14 विकेट, इनका हेड टू हेड और जहां तक मुझे लगता है स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करते हैं भाई, प्रसिद्ध कृष्णा अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, और अगर यहां पे राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग करती है ना, उस कंडीशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पे देखिएगा, एक मैच में 1 विकेट, 7 मैच में 6 विकेट इनका वेन्यू पे रहता है, इंपॉर्टेंट अगर पहले बॉलिंग करती है। ट्रेंट बोल्ट का सेम है, आप दोनों कंडीशन में लेके जा सकते हो, क्योंकि वानखेड़े की पिच है, शुरुआत में थोड़ा सा वो सीम मोमेंट रहता है, दैट्स वाइज इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी कुलदीप सेन जो कि जिनको डेथ में इस्तेमाल किया जा रहा है, बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ी सी भी पिटाई हुई कुलदीप सेन की, तो वहां पे कुलदीप सेन के ओवर्स कट सकते हैं, रियान पराग भी डाल सकते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा। जी हां, इस चीज का आप लोग है वो ध्यान में रखिएगा। बाकी यहां से अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट का जो हेड टू हेड मैच हुआ था उसकी, तो ये देखिएगा आरआर ने 217 किए थे 5 विकेट पर, केकेआर 210 रन बना पाई थी, बटलर ने 100 किया था केकेआर के अगेंस्ट, सैमसन ने बढ़िया इनिंग्स खेली थी, हेटमायर 26, अय्यर ने 85 किए, चहल को 5 विकेट, मकोय को 2 विकेट और सुनील नारायण को यहां पे 2 विकेट मिली थी। मकोय शायद खेले ना, बाकी ये जो प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं यहां पे मुझे सारे इंपोर्टेंट लग रहे हैं। अगर चांसेबल है तो वो यहां पे मुझे लगता है सैमसन और हेटमायर है, बाकी सारे इंपोर्टेंट लग रहे हैं जो भी यहां पे आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं, संजू सैमसन यहां से देखोगे सुनील नारायण के सामने स्ट्रगल है, 64 बॉल में 51 रन, ये अगेन स्ट्रगल कर सकते हैं। शिवम मावी के सामने इनका स्ट्रगल रहा है, 17 बॉल में 15 रन, 4
मर्तबा आउट शिवम भावी के सामने। बाकी वरुण चक्रवर्ती को अच्छा खेले, उमेश यादव के सामने स्ट्रगल नहीं है, उमेश यादव की पिटाई काफी बढ़िया की, लेकिन 3 बार आउट भी किया इन्होंने, आंद्रे रशल ने 2 बार, तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन के जो सामने के गेंदबाज है उन्होंने बैकफुट पे रखा है संजू सैमसन को। बटलर की बात करते हैं, बटलर को यहां से देखिएगा, आंद्रे रशल ने 2 बार ऑफकोर्स आउट किया है, उसके अलावा यहां से सुनील नारायण ने 3 बार, सुनील नारायण के सामने है वो जोस बटलर ने स्ट्रगल किया है, लेकिन ये बाउंड्रीज की लाइन छोटी रहती है तो दैट्स व्हाई जोस बटलर की इंपोर्टेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, काफी ज्यादा इंपोर्टेंसी बढ़ जाती है। बाकी यहां से शिवम मावी ने 1 बार, बाकी सबको अच्छा खेले हैं, उमेश यादव की तो पिटाई भी बहुत की है। देवदत्त पेडिकल की बात करते हैं, शिवम मावी को विकेट नहीं मिला, आंद्रे रशल ने 1 बार, बाकी सुनील नारायण ने 1 बार, बाकी कुछ खास मैचअप आपको दिखेंगे नहीं। सिमरोन हेटमायर का देखोगे सुनील नारायण ने 1 बार और वरुण चक्रवर्ती ने यहां पर 1 बार आउट किया हुआ है। श्रेयस अय्यर का देखोगे युजवेंद्र चहल ने 1 बार आउट किया, लेकिन युजवेंद्र चहल को अच्छा खेले 58 में 78। रविचंद्रन अश्विन की पिटाई हुई है, ट्रेंट बोल्ट की पिटाई हुई है, प्रसिद्ध कृष्णा की भी पिटाई हुई है, मतलब श्रेयस अय्यर यहां पे काफी बढ़िया दिख रहे हैं। उसके अलावा देखोगे आंद्रे रशल का, तो जिमी निशम ने आंद्रे रशल को 2 बार जो खेल नहीं रहे। ट्रेंट बोल्ट का देखोगे 2 बार आउट भाई, 15 बोल्ट में 27। रविचंद्रन अश्विन ने 2 बार आउट किया है और मे बी रविचंद्रन अश्विन की एक आधा ओवर्स रखे जाए आंद्रे के लिए। ओबेड मकोय की पिटाई युजवेंद्र चहल ने 1 बार, अजिंक्य रहाणे अगर खेलते हैं तो आप लोग यहां से देख सकते हो। अजिंक्य रहाणे के बारे में नीतीश राणा की बात करते हैं, तो नीतीश राणा आप देखोगे ट्रेंट बोल्ट अच्छा खेले, रविचंद्रन अश्विन को अच्छा खेले, यहां पे 5 बार आउट किया है भाई युजवेंद्र चहल ने 65 में 85। हालांकि नीतीश राणा के लिए खेलना इजी रहता है यहां पे युजवेंद्र चहल को, बट युजवेंद्र चहल है, युजवेंद्र चहल को अटैक करना नॉट इजी, तो ये चीज ध्यान में रखना। आरोन फिंच का देखोगे रविचंद्रन अश्विन ने 3 बार आउट किया, लेकिन पिटाई बहुत हुई है। युजवेंद्र चहल ने 1 बार, ट्रेंट बोल्ट ने 2 बार, ये एक बहुत बढ़िया मैचअप होगा। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 बार, तो ये भी बढ़िया मैचअप है। जिमी निशम खेलेंगे नहीं। सैम बिलिंग्स का देखोगे अगर खेलते हैं तो सैम बिलिंग्स का देख सकते हो, यहां पर प्रॉब्लम केवल युजवेंद्र चहल से हुई है, जिन्होंने 3 बार है जो कि आउट किया हुआ है यहां पर सैम बिलिंग्स को। तो ये थे प्लेयर बाय स्टेट्स। अब चलिए आपकी टीम कैसी रहती है इस पे हम लोग है वो डिस्कस कर लेते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में जोस बटलर हो गए, संजू सैमसन हो गए, दोनों इंपोर्टेंट है। अगर आप लोग चांस लेना चाहो तो आप संजू सैमसन पे ले सकते हो, सुनील नारायण के सामने कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, यहां से मैं दोनों के साथ जा रहा हूं। बाबा इंद्रजीत आपके पास एक ऑप्शन बचते हैं, अगर अगेन खेलते हैं 2 डाउन इनकी बैटिंग पोजिशन है तो वहां पर आप लोग है ना वो कहीं ना कहीं एक आधा ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन में श्रेयस को ले लिया, सिमरोन हेटमायर अगर पहले बैटिंग करे आरआर की टीम उस कंडीशन में आप लेके जा सकते हो। उसके अलावा यहां से नीतीश राणा आपके पास एक ऑप्शन बचते हैं, लास्ट मैच में बढ़िया इनिंग्स खेल के आए हैं। देवदत्त पेडिकल को मैंने यहां से लिया है, अजिंक्य रहाणे खेले तो आप ले सकते हो। यहां से एक चीज ये कर सकते हो ना कि आरोन फिंच आपके पास एक ऑप्शन है, यहां से आरोन फिंच को लिया, लेकिन आप आरोन फिंच के जगह क्यों ना वेंकटेश अय्यर को ले लो, क्योंकि उनको है ना वो गेंदबाजी से प्रॉब्लम नहीं है, आउटस्विंग इनस्विंग इनको इनस्विंग से दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं शायद बोल्ट के सामने फंस जाए। ऑलराउंडर सेक्शन में आंद्रे को ले लिया, रियान पराग आपके लिए एक ऑप्शन बचते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर पहले बैटिंग करे आरआर की टीम उस कंडीशन में कोलैप की कंडीशन में एक कॉम्बिनेशन में जा सकते हो। सुनील नारायण को यहां से मैंने लिया, वेंकटेश अय्यर को लेके मैंने आपको बता दिया कि आप उस कंडीशन में यह चीज कर सकते हो। डैरी मिचेल दोस्तों, इस पे मेरा फोकस रहेगा, डैरी मिचेल पे, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जी हां, डैरी मिचेल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है, इसको अगर पहले बैटिंग करती आरआर की टीम चांस ले सकते हो। बाकी यहां से आप मुझे कोई खेलता हुआ दिखेगा नहीं। बॉलिंग सेक्शन में यूजी को ले लिया, उमेश यादव, उमेश यादव आपके पास एक ऑप्शन है जिसको मैंने अभी तक टीम में नहीं लिया है, एक भी मैच में नहीं लिया है, यहां पे भी शायद ड्रॉप करूं। रविचंद्रन अश्विन आपके पास एक ऑप्शन बचते हैं, मैंने क्या किया, मैंने ट्रेंट को ले लिया, मैंने टीम साउथी को ले लिया, बाकी यहां से वरुण चक्रवर्ती वगैरह अगर खेलते हैं ले सकते हो, बाकी आपके पास ऑप्शन में काफी प्लेयर है। चलो मैं यहां से क्या करता हूं, मैं प्रसिद्ध कृष्णा को ले लेता हूं, उमेश यादव रविचंद्रन अश्विन आपके पास ऑप्शंस में बसते हैं, आप इजीली उनके साथ जा सकते हो। जी आप इजीली है वो उनके साथ जा सकते हो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गिवे का दूसरा सवाल, दोस्तों गिवे का दूसरा सवाल ये रहेगा कि आज के मैच में जो आरोन फिंच है, जी आज के मैच में जो आरोन फिंच है वो आपको कितने रन्स करके देंगे, आरोन फिंच आपको कितने रन्स करके देंगे, ये आज का दूसरा सवाल होगा। लाइक कर देना अभी से, लाइक बहुत जरूरी है अगर आप लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब कैप्टनसी मटेरियल देखिए, सीधी सी बात है ये भाई सेफ रहेगा,
जोस बटलर है वो सेफ रहेगा और मैक्सिमम लोग स्मॉल लीग में इसी को लेके आएंगे। जब आप लोग 5, 6, 10 मेंबर में जाते हो तो वहां पे चांस ले सकते हो, वहां पे आप देवदत्त पेडिकल को कैप्टनसी दे सकते हो। यहां से मैंने क्या किया, कैप्टनसी हो गई, वाइस कैप्टनसी मैंने क्या कर दिया, वाइस कैप्टनसी यहां से मैंने आंड्रे रशल को दे दी, वाइस कैप्टनसी आंड्रे रशल को दे दी। आप इसको रोटेट कर सकते हो, जी हाँ आप इसको इजिली रोटेट कर सकते हो। अगर आंड्रे रशल अपनी टीम के लिए फिफ्थ बॉलर आएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कि आपको रोटेट करना है कि नहीं करना है। ये इनिशियल टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो इसीलिए बोल रहा हूं अभी भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।